दोस्तों, काइन मास्टर को लेके जो है मुझसे हमेशा 3 या 4 सवाल पूछे जाते हैं, तो आज इस वीडियो के जरिए जो है उन सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ। पहला सवाल होता है ये कि भाई, काइन मास्टर में जो है वाटरमार्क, काइन मास्टर का जो वाटरमार्क होता है वो कैसे रिमूव हो। और दूसरा सवाल है कि हमारे काइन मास्टर में जो है वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा सवाल ये है कि क्रोमा की ऑप्शन नहीं मिलता। और चौथा सवाल ये रहता है कि जब हम कोई वीडियो एडिट करते हैं उसके बाद में एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं और आपको इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलीम खान और आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल एक्शन का रिएक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है कि काइन मास्टर का वाटरमार्क कैसे जाएगा, तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि आप अगर प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से अगर काइन मास्टर प्रो डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है आपको वाटरमार्क आएगा। उस वाटरमार्क को हटाने के लिए आपको वो एप्लीकेशन जो है परचेज़ करने पड़ेंगे। तो या तो आप प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करें हैं तो उसको परचेज़ कीजिए। और दूसरी बात ये है कि बिना वाटरमार्क वाला अगर काइन मास्टर आपको चाहिए तो वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, आपको जो है वो मॉडिफाई वर्जन में मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है काइन मास्टर का लिंक रहेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए तो उसमें आपको जो है वाटरमार्क नहीं आएगा। दूसरा सवाल ये कि बहुत सारे डिवाइसेस में जो है काइन मास्टर का वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों, मेरा खुद का जो है फ़ोन J2 है, सैमसंग का J2 है, और शुरुआत में जब मैंने इस काइन मास्टर को इंस्टॉल किया था तो मेरे फ़ोन में भी वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ इमेज सपोर्ट करता था। तो दोस्तों, उसके बाद में जो है मैंने यही मॉडिफाइड काइन मास्टर जो है उसको इंस्टॉल किया है और इसमें जो है वीडियो लेयर सपोर्ट करता है और मैं अच्छी तरह से इसमें काम कर सकता हूँ। आपका दूसरे सवाल का भी जवाब यही है कि अगर आपके कोई फ़ोन में, हर फ़ोन में वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है और आप अगर ये काइन मास्टर जो है इंस्टॉल करके देख लीजिए, शायद आपका वीडियो लेयर सपोर्ट कर दे। बहुत सारे फ़ोन में सपोर्ट करता है, मेरे खुद के फ़ोन में भी सपोर्ट किया है, तो आपका भी कर सकता है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है कि क्रोमा की ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, क्रोमा की ऑप्शन के लिए आपको जो है मैं पहले बता दूं, जब भी आप पहले मीडिया ब्राउज़र से फाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमेशा आपका कोई बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड इमेज लेना चाहते हैं या बैकग्राउंड वीडियो लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको आप इंपोर्ट कीजिए। और पहला जो मीडिया फाइल जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आप अगर ऑप्शन में ढूंढेंगे क्लिक करके तो उसमें आपको क्रोमा की का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उसके बाद क्या करना है कि जो लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपका जो कोई भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो, जैसा मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये मेरा ग्रीन तो नहीं है, ब्लू स्क्रीन मैं यूज़ किया हूँ, तो ब्लू स्क्रीन का यूज़ किया हुआ कोई भी वीडियो आप इंपोर्ट कर लीजिए। और उसमें क्लिक करके जब आप राइट साइड में जो ऑप्शन खुलता है उसमें आप देखेंगे तो आपको नीचे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आगे मैं वीडियो में वो सब डिटेल जो दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके एम्प्टी लेयर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करके आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी इमेज या वीडियो लेना चाहते हैं उस वीडियो या इमेज को आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं एक जो है इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से इमेज को जो थोड़ा सा खींच के थोड़ा लंबा कर देते हैं और इसके बाद मैं एक बार प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं क्रॉप वाले ऑप्शन जो है वहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से इक्वल में क्लिक कर लेता हूँ ताकि अपना जो इमेज है वो स्टिल रहे, उसमें मूविंग ना हो। दोस्तों, यहाँ आपको मैं ये बता दूँ कि आप जो मीडिया ब्राउज़र से पहला इमेज या वीडियो लेंगे वहाँ आपको जो है कोई भी क्रोमा की का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आपको जो है यहाँ से लेयर में जाके आप कोई ग्रीन स्क्रीन वीडियो आप लेंगे तो वहाँ जो है आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को इमेज को सिलेक्ट किया है, यहाँ कोई क्रोमा की ऑप्शन नहीं है। तो चलिए यहाँ से लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके एक जो है ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को हम इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों मेरा ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ से जो है मैं अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट साइड में जो ऑप्शन आता है उसे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्रोमा की ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से जो है अपना क्रोमा की इनेबल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं नीचे की कलर का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो जो भी कलर आपने अपने वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ किया है वो कलर जो है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो है ब्लू कलर है तो ये ब्लू कलर मेरा सिलेक्ट है। दोस्तों यहां से जो है आप अपना क्रोमा की जो है एडजस्ट कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको रखना है अपने हिसाब से आप यहां से एडजस्ट कर लीजिए। दोस्तों यहां से वीडियो को फिर से सिलेक्ट करके क्रोमा की के नीचे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपकी वीडियो में अगर कहीं कॉर्नर में थोड़ा बहुत अगर कुछ रह जाता है तो यहाँ से आप ग्रुप करके उस वीडियो को जो है सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं अपने वीडियो को सिनेमैटिक लुक देने के लिए यहाँ लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके ड्रॉ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है आप यहाँ फील वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके नीचे आपको हैंड ड्राइंग का जो है एक लेयर नज़र आएगा, तो इस लेयर को आप फिर से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद में एक जो है इस तरह से एक ब्लैक कलर का बार आप बना लें। दोस्तों इसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से मैं सेट कर लेता हूँ और उसके बाद में ये जब सेट हो जाएगा तो फिर से इस ऑप्शन को अपने जो है वीडियो के लेंथ तक खींच के लंबा कर लें और फिर से इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक कर लें और यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बना लें। फिर से इस डॉट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ इस तरह से ऊपर इसको सेट कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो जो है वो रेडी हो चुका है और इस तरह से जो है मैं अपने वीडियो का बैकग्राउंड जो है रिमूव कर दिया है और साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों का जो कमेंट था कि क्रोमा के ऑप्शन किस तरह आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने क्रोमा की ऑप्शन यूज़ करते हुए अपने बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव किया है और क्रोमा की ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों यहाँ से शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके अपने वीडियो को जो है आप सेव कर सकते हैं। चौथा सवाल जो ये है कि फाइल एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो जैसा रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई वीडियो डाउनलोड करके हम उसको यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा अगर रेजोल्यूशन का रहेगा तो क्या एक अगर हम उस रेजोल्यूशन वीडियो को सिंगल अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो हो जाएगा, मगर अगर जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इसका रेजोल्यूशन अगर 1080x720 pixel रहता है, इस रेजोल्यूशन में अगर मैं डाउनलोड करूँगा और इसका जो वेस्ट पार्ट है उसको कट करके उसको फिर एक्सपोर्ट करना चाहूँगा तो मुझे वीडियो एक्सपोर्ट होने में प्रॉब्लम होगा। तो उसका जो है यही है कि आपको जो रेजोल्यूशन का भी ध्यान देना है, 720 फ्रेम जो है वो रेजोल्यूशन सही रहता है और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जो है 1080 जो है उसको वो रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट मत कीजिए, उससे नीचे वाला जो HD होता है 720 फ्रेम का उसको जो है आप एक्सपोर्ट उस रेजोल्यूशन में आप एक्सपोर्ट कीजिए तो हो जाएगा। और एक भी कारण हो सकता है कि ज़्यादा मल्टीपल ज़्यादा लेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो और या फिर लेयर में भी आप अगर ज़्यादा रेजोल्यूशन के वीडियो को आप लगाए हों तो तब भी एक्सपोर्टिंग में प्रॉब्लम होता है। अगर आप ज़्यादा लेयर यूज़ कर रहे हैं और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपको करना ये है कि पहले मान लीजिए अगर मैं 4 लेयर यूज़ कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो मैं इस टाइप में क्या करूँगा, तो पहले 2 लेयर को सेट करके एक्सपोर्ट करूँगा, फिर उसके बाद में उस एक्सपोर्ट फाइल को फिर काइन मास्टर में लेके फिर 2 लेयर ऐड करके फिर एक्सपोर्ट करूँगा। मतलब 2 बार इस तरह करेंगे तो आपका काम बन सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि काइन मास्टर को लेके आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल का जवाब देना रह गया है या मैं भूल गया हूँ या आपके मन में कोई और सवाल है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप जो है उस वीडियो को वॉच कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।